बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। जीवन की सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है। और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव, तो उसको यह महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करती है, थोड़ा डीले कम करो, पार्वती मैया भगवान शंकर से प्रश्न करती है कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डीले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है? व्यक्ति को मालूम कैसे कि प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है, उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में यह निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे, ये निश्चित है। कब प्राण जाना है ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर यह किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। मृत्यु की घड़ी को भगवान शिव कहते हैं, वो मैंने साध कर रखा, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो, अब मृत्यु को कब मरना है? इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। हर श्वास में जब शिव रटते रहोगे, हर श्वास में जब भगवान का भजन करते रहोगे, तब आप रूप जो सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है, वो प्राप्त हो जाए। आज स्वर्गीय श्री नारू जी बोंडे की स्मृति में आज उनका परिवार, श्रीमती निर्मला जी बोंडे, बहू श्रीमती सोनम जी बोंडे, पुत्र श्री विजय जी बोंडे, बोंडे परिवार ये छिंदवाड़ा का यदि कथा करवा रहा है, तो शिव का कुछ भाग, शिव का कुछ आनंद, शंकर का कुछ अनुमोदन,
शिव कृपा, कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है, कुछ तो कृपा शिव की है जो बोंडे परिवार कथा करवाया, कुछ तो कृपा शंकर की है जो आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के सम्मुख में बैठकर, भगवान के धाम में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। कोई पूर्वजों का पुण्य एकाग्रित हुआ होगा तब जाकर ये पावन कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर गंगा हर घर घर में पहुंच गई है। केवल श्रवण कर शंकर की कथा को श्रवण कर ये गंगा घर घर तक पहुंच रही है। तीन नदियां, भारत की भूमि की तीन नदियां शिव महापुराण में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है नर्मदा। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को कल्याण कर देता है। केवल दर्शन, गंगा यमुना नर्मदा, इन तीनों का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो आनंद है, तो गंगा स्वतः स्नान करने वाले को उतार रही है, यमुना पान करने वाले को तार रही, और नर्मदा केवल दर्शन करने वाले को तार रही, केवल दर्शन करने वाले। और ये तीनों नदियां वामन अवतार के समय पर इनका प्रागट्य का क्रम है महाराज, तीनों के प्रागट्य का क्रम वामन अवतार के समय पर। एक कथा श्री वामन पुराण की बड़ी सुंदर है, जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, क्योंकि संसार के जितने मानव हैं, जितने मनुष्य पैदा होते हैं, संसार सागर में जितने मानव जन्म लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगुष्ठ के बराबर होता है। चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो, 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई, तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। 84 अंगुष्ठ का ये शरीर, स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर एक हाथ में छत्र लेकर, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करें, और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते, बावरी मतलब पागल। नामदेव जी महाराज को लोग पागल कहते हैं, कर्मा भाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, राष्ट्र के जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े टेढ़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजे और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ, तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे, ये तो पगली हो गई।
ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्कल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पागला और भगत भी पागला, सब पागल। शिवपुराण तो सीधी सीधी बात कर रही ना कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है पागल है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज भगवान भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन अरे ओ पगले कर ले तू थोड़ा, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रसतत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुँच कर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू एक पगली बहू, ठीक है? तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का सत्र श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन हो दो, शादी हो दो, कोई रिसेप्शन हो दो, घर में कोई पार्टी हो दो, घर में कोई कार्यक्रम हो दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आई कि नहीं आई, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा, एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, अब 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मान जा और ऊंचाई, अब वो मान जा। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी, वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे मेहंदी से उठी बेचारा भेरू दौड़ के आया, पगली बेचारा रोटी थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला लिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो भी डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला, अब उन्हें तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अकल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी, और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है एक समझदार है, अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो चाहे। और बल्कि जो बड़बड़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ गए संभालती है ना, और बुआ जी भाई बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, जी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही है, अब वो भी गई, अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो, कि वो क्या ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है मीरा बांवरी हो गई, कर्मा बांवरी हो गई,
नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु भारत की भूमि के जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने कथाकार जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों भगवान की स्मरण में रम रहे हों वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाँचने वाले भी पागल कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो है जो कथा हमें आती ही नहीं। समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए लाते जाए देते जाए। पर कभी मन में विचार करो एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो इतना भाग दौड़ करते हो 8-8 बजे दुकान से जाते हो रात को 11-11 बजे तक आते हो किसके लिए कमा रहे हो दो रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो किसके लिए कमा रहे हो किसके लिए करना है। पति कहेगा पत्नी के लिए बच्चों के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए बस यही इनको आगे बढ़ाना है। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे ताला पड़ा गया रात के घबराहट भी हो है डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है वो क्या रहा है सब कुछ होता है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की ना परिवार ना कुटुंब ना कबीला ना माता ना पिता ना भाई ना बंधु ना पत्नी ना बच्चे किसी के पास बैठने का समय नहीं। भक्ति में पागल हो जाना प्रमोशन है। क्या है ये प्रमोशन? जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया समझ लो उसका प्रमोशन हो गया और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहे ना ये तो पागल हो गई कथा इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है केवल कथा सुने तो समझ लो कि अपन पागल हो गया मतलब अपना प्रमोशन हो गया पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया पद बढ़ गया हमें नहीं होना समझदार। शिव कथा कह रही 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद भागवत के भीतर आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा। हाँ तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है कितना नापेगा ये इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये। तो राजा बलि ने कहा एक काम करो हमारे पांव से नाप कर दे देते। बामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पांव से नब्बा ना होती तो मैं आया काहे को टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके है और हम तो हमारे पांव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज़्यादा मंग लो। अब बामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं वही बहुत है कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख तेरे लिए चांद तोड़ लो सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई छत पे से कपड़ा उठा ला चांद बाद में तोड़ ली है तेरे कपड़ा तो उठा ला सारे अरमानों में पानी फिर गया चांद तोड़ रहा अब कपड़ा उठा लेगा कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी वो अपने कोई पति से बोल रही होगी शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जान दो पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्यों चिंता करती हो पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना देगा वाले को स्वर्गवासी गजब कहीं ना को कुछ भी कह दो
तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं तीन पग भूमि को नाप कर दे देता हूँ, अपने पांव से नाप देता हूँ, और भी ज्यादा मंगल नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पांव से नाप रहे। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई, उसको भी समझ लीजिए। तीन पग भूमि ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोंटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है, पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा, तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूँ। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। भगवान बोले, वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरा ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दे इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोंटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई। अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी, कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर चार बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, तीन बेटे हैं तीन के बराबर का प्रेम हो, दो बेटे हैं दो के प्रति बराबर का प्रेम हो, चार बेटियां चारों के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी, लल्लू कल्लू ने पप्पू ने मुन्ना सब की यज्ञ सपना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता तो पहचान में आ जाता कमला भाई का छोरा है। कपड़ा से पहचान जाए कि एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्तवृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे यह दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना। दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपए करूं, 2 रुपए करूं, 50 रुपए करूं, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो, क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया। और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000 10,000 20,000 21,000 1 रुपया 4 रुपया 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अभी मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मुझे दान करना, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल कर कपड़े, रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखिए आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है हमारे, तरक्की रुकी पड़ी, तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तुमने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की ये उन्नति ये वृद्धि रुक रही। दान पहले करो, कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1,000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10 करोड़ काम छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं है, छोड़ते चलो, 500 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे चित्तवृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से चित्तवृत्ति से मना जी, 500 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया दुकान में, अगर भोजन की थाली आ गई दुकान में, अगर टिफिन आ गया ऑफिस में, अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है, तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है, तो एक घड़ी, एक पल, एक
क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी एक मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस एक मिनट ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ, 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैला रहा हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल दो रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए, और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महाराजी महारानी सम्मुख में हो तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहे हैं, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं। कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई, खाने अब रुचि आएगी क्या? अरे दो रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो दो रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है। कुबेरेश्वर धाम में अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, परमिशन नहीं, पर जब भी संपूर्ण विश्व जब कोरोना महामारी से बाहर निकल जाए, तब जब आप कुबेरेश्वर धाम आए, सीता रसोई में जाकर, अन्नपूर्णा रसोई में जाकर जब आप भोजन करेंगे, तो वहां पर जो भोजन बनाने वाले भंडारी हैं, अगर आप चिल्ला कर बात कर रहे होंगे या मोबाइल पर बात कर रहे होंगे भोजन करते समय, तो वो आपको चिल्ला देंगे, आवाज लगा देंगे, मोबाइल बंद करिए, भोजन कर रहे हो ना। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21,000 रुपए आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो, जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन ने 21,000 रुपए जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर, एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर गए हैं, ये अन्नपूर्णा का भोजन। तो यह नियम है, आप जब भोजन करेंगे वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है, भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या अंदर जो हड्डिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको कुछ बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए। अन्नपूर्णा पर ध्यान देकर, जिसके लिए तरस रहे साहब, तरस रहे, पूरी 8 बजे से सुबह से दुकान खोल के बैठा है, रात को 11-11 बजे तक कमा रहा है, किसके लिए? केवल रोटी के लिए, और वो ना मिले अच्छे से भी नहीं खा सको। जिस समय घर के लोग भोजन कर रहे हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए, जिस समय पर तुम्हारे यहां पर कोई विशेष अतिथि आया हो उस समय पर टीवी बंद होना चाहिए, जिस समय पर तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया हो उस समय पर, कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, कितना भी अच्छा नाटक आ रहा हो, टीवी बंद होना चाहिए। हाँ, कथा चल रही हो और कोई मेहमान आ गया तो टीवी चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसके कानों में वो शब्द जाएगा तो तर जाएगा, भले राम नहीं कहा, भले शिव नहीं कहा, भले कृष्ण नहीं कहा, पर कथा चल रही है तो उसका शब्द उसके कानों में जाएगा। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करते समय टीवी चालू कर दी, 4 ग्राहक आ रहे हैं, उनके कानों में वो कथा जाएगी, तर जाएगा। कोई सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है, आप भोजन कर रहे हो, पहले टीवी बंद कर दो, पहले भोजन पर ध्यान दो, फिर नाटक चालू करेंगे, पर यहां तो थाली लेके बैठे। कुमकुम भा साज भी कभी चित्त नहीं, अन्नपूर्णा भी सोच रही है मैं किसके हाथ में पड़ी। और सरल भाषा में समझ लो, पति के साथ पत्नी घूमने जाए, बहुत सरल भाषा में समझिएगा, पति के साथ पत्नी घूमने जा रही है, एक मित्र के साथ मित्र घूमने जा रहा है, एक सहेली के साथ सहेली घूमने जा रही है, और तुम बात करते हुए जा रहे हो उससे, और उसका मन तुम में नहीं है, और वो मोबाइल चला रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य बताना ईमानदारी से, पति के साथ तुम घूमने जा रही हो,
अपनी सहेली के साथ मार्केट करने जा रही हो, अपने दोस्त के साथ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, और दोस्त मोबाइल में लगा हुआ, बस हेडफोन लगाया और मोबाइल में बस, और चला साथ में, गाड़ी भी लेकर गए और दिन भर मोबाइल में लगा, और गए थे बड़े एंजॉय के साथ से, चलो बात करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, मित्रों के साथ बैठेंगे, ये करेंगे, पत्नी भी सोच कर रही थी चलो मेरे को लेकर जा रहे हैं, आज मौका मिला है, घर पर अच्छे से बात नहीं हो पाए, हो सकता है अपन चलेंगे, दो चार बात होगी पति के साथ, तो वो बेचारी बात करने के लिए बैठी है, वो बेचारा बात करने के लिए बैठा, और ये अपनी सहेली से बात में लगी है, कैसी है, अब वो मन में सोच रहा है कब मोबाइल रखे और कब मुझसे बात करे, और पति पत्नी की सोच रहा है पत्नी और ये मोबाइल, अब चित्त नहीं लग रहा ना आपका, मन नहीं लग रहा ना, तो मन मोटा होगा कि नहीं होगा, आखिरी में मन मोटा होगा कि नहीं होगा, कि बताओ हमारे साथ गया, हमारी सहेली थी, हमारा दोस्त था, पर मन मोटा। उसी तरह अन्नपूर्णा की थाली तुम्हारे हाथ में है, भोजन तुम्हारे सामने है, और तुम टीवी देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम हैंडसेट देख रहे हो, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम अखबार पढ़ रहे हो, और वो अन्नपूर्णा तुम्हारे सामने है, तो अन्नपूर्णा का अपमान होगा कि नहीं होगा। दूसरी बार तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घूमने जाएगी क्या, पहले कह देगी या तो मोबाइल रख लो या मुझे रख लो। सहेली बोलो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, सहेली बोलेगी कि नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चल रही है तो देख मोबाइल घर पे छोड़कर चल, या लेकर चल रही है तो देख बात मत कर। दोस्त भी कह देगा दिन भर तो कानों में ये लगा के रखता है, मोबाइल चलाता रहता, कम से कम दोस्तों से मिलने आए तो थोड़ी देर तो अच्छे से मिल, इसके बाद चालू कर ले। तो थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा के लिए, भोजन के लिए, उस अन्न माता के लिए अपनी ये टीवी, अपना ये हैंडसेट, अपना ये मोबाइल, अपना ये लैपटॉप, अपना ये कंप्यूटर छोड़कर 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में भोजन हो जाता है, उस अन्नपूर्णा को समय दो। तो वो अन्नपूर्णा जब शरीर में जाती है तो रोग उत्पन्न नहीं करती, और रोग कौन सी अन्नपूर्णा उत्पन्न करती है वो भी समझ लीजिए, तुम उसको समय नहीं दे रहे, रोग कौन उत्पन्न कर रहा है, घर पे आके झगड़ा कौन करेगी, तुमने जिसको लेकर गए तो समय नहीं दिया, झगड़ा वो करेगी। उसी तरह टीवी देख देखकर भोजन करो डायबिटीज होगी, टीवी देख देखकर भोजन करिए बीपी शुगर सब होगा, यहां तक शास्त्र कहता है कि टीवी देखकर भोजन करने वालों की हेल्थ बढ़ती चली जाती है। बोलो बोलते कि नहीं बोलते, बच्चा अगर टीवी देख रहा है और भोजन कर रहा है तो उसकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, रोग बढ़ते चले जाएगा, मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हो रोग बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहता और वो वसा के रूप में काम करती है। और अगर हमने सब दूर से त्याग कर रस तत्व को ग्रहण करा है, भोजन का रस ग्रहण करा है, तो वो अन्नपूर्णा जिसका अन्न उदर में जा रहा है वो हजारों औषधियों के बराबर हो जाता है, औषधि के रूप में हो जाता है। पर हम त्याग रहे हैं, हम त्याग रहे हैं, भगवान वामन का चरित्र कर रहे हैं, नहीं चाहिए हमको तो तीन पद भूमि चाहिए, तीन पद भूमि नाप लीजिए, दान करने का मौका मिले दान करिए, शुक्राचार्य जी ने दान को रोका था इसलिए काम चलेगी, दान पुण्य संकीर्तन सत्संग जो करना है समय पर करो, कल पर मत टाल। शास्त्र कह रहा है ईश्वर से भले मत डरो पर अपने कर्म से डरो, किससे डरना है, कर्म से, ईश्वर तो माफ कर सकता है, गुरु से नहीं डरना मत डरो, गुरु माफ कर सकता है, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, माता पिता माफ कर सकते हैं, घर के बुजुर्ग से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्ग माफ कर सकते हैं, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा माफ कर सकता है, पर कर्म मनुष्य का कभी माफ नहीं करता, वो तो भुगताता है, भोगना तो पड़ता है, चाहे रोके भोगो चाहे हंसकर भोगो, गुरु माफ कर देगा, ईश्वर माफ कर देगा, शंकर माफ कर देगा, पर कर्म कभी माफ नहीं करेगा, कर्म तो भुगताएगा, जैसी करनी करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो यहाँ टीवी के सामने आशा चैनल पर बोल देगा कि भैया भोजन टीवी बंद कर देना चाहिए, भोजन करते समय नाटक बंद कर देना चाहिए, भोजन हाँ अगर भजन आ रहे हो, हाँ अगर कथा चल रही हो और उस समय पर आप भोजन कर रहे हो, बिल्कुल पहले का नियम था, पहले जब पति भोजन करता था, बेटा जब भोजन करता था, माँ पल्लू झेलती थी, बोलो सही है कि गलत है, पंखा झेलती थी और झेलकर फिर माँ प्रेम से भोजन कराती थी, कोई भजन गा लेती थी, पत्नी कोई गुनगुना लेती थी, कोई जब गुरुजन भोजन करते हैं, आज भी नियम है ब्राह्मण सदगुरु जब भोजन करने बैठते हैं तो जो शिष्य होते हैं वो मंत्रों की ध्वनि करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं, नाम जाप करते हैं, पहले भोजन होता था शादी ब्याह में भी तो कीर्तन मंडलियां बैठती थी, आज के जमाने में तो बफेट चले और गाना चले, थारी अखियां का जो जादू, और खाए गाना श्रवण कर रहा है, अन्न भाग ग्रहण कर रहा है, इंद्रियां बेकार हो गई, शिथिल हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं था। पहले के भोजन से भजन की मात्रा बढ़ती थी, आज के भोजन से काम की मात्रा बढ़ती है, लोभ आसक्ति वासना तृष्णा काम ये सब बढ़ रहा, सब थोड़ा चेंज कर तो देखो, थोड़ा सा तो बदल कर देखो, कि आज से मैं नियम लेता हूं श्रावण का दूसरा सोमवार एक वर्ष तक का नियम ले लो, तुम ज्यादा मत लो, एक महीने का नियम ले लो, कि एक महीना एक वर्ष छह महीना चार महीना चतुर्मास का चार महीना मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगा, मैं टीवी देखकर भोजन नहीं करूंगी, फिर उसका जो असर होगा वो देखिए, रोग बीमारी कम होती है कि नहीं होती, और मन भगवान में लगता है कि नहीं लगता खुद मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अन्नपूर्णा अपना असर देना प्रारंभ कर देगी, अन्नपूर्णा अपना रस देना प्रारंभ कर देगी, जाओ भोजन करना करो, अन्नपूर्णा अपना भाग स्वयं देगी।
अपना रस तत्व अन्नपूर्णा स्वतः प्रदान कर रही है, और अन्नपूर्णा जब अपना रस देना प्रारंभ करेगी तो सुख अपने आप आएगा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ पगले कर ले तू थोड़ा दान, पुण्य, भजन, स्मरण, ये कोई पागल ही कर सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, ये कोई पागल ही कर सकता है। भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है। भाई महाराज, जो भगवान की भक्ति में वही डूब सकता है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, अलमस्त भाव में वो डुबाने का प्रयास करेगा। जो नदी की था तक होकर आ गया, नदी के नीचे तक घूम कर आ गया, वो जानता है कि नदी कितनी गहरी है। नहाया हुआ नदी में कूदा हुआ व्यक्ति तुमसे कह देगा ज्यादा अंदर मत जाना, नदी में कूदा हुआ व्यक्ति कह देगा हाँ आ जाओ मैं हूँ साथ में, आ जाओ नहा लेना। नहाया हुआ व्यक्ति ही नहाएगा, आ जाओ कूदो पानी ज्यादा गहरा नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हें डुबाने का प्रयास करेगा कि भगवान की भक्ति में कैसे डूबना, शिव की पूजन में कैसे डूबना, शंकर के अनुमोदन में कैसे डूबना, कैसे डूबे। और जब चित्त वृत्ति रम जाएगी फिर शुद्धता चली जाएगी। पृथ्वी नापी एक में, जब जैसे चरण उठाया पहला, दूसरा चरण उठाया आकाश में गया, और जैसे ही आकाश में गया भगवान के ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मलोक में जैसे ही जाए वैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया, भगवान का चरण आया। ब्रह्मा जी देखे भगवान का चरण आया, और ब्रह्मदेव ने जैसे ही चरणारविंद को देखा तो देखकर ब्रह्मा जी के कमंडल में जब 33 कोटि देवता जल के रूप में हो गए थे, तो वो जल का भाग, जितने भी देवता जल हो गए थे वो जल को ब्रह्मा जी के कमंडल में रख दिया था। गंगा का जो नामकरण संस्कार है कि गंगा नाम कैसे पड़ा, ये वामन पुराण के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्मा जी के कमंडल को गंगाल कहते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा, कमंडल को गंगा, और उस कमंडल के भीतर जो जल एकाग्रित कर रखा है वो गंगा जल। वो गंगा जल महाराज, जब स्पीकर नहीं चल रहे हैं बाहर वाले, गंगाल भगवान का चरण दिखा, और भगवान का चरणारविंद जैसे ही नजर आया, ब्रह्मदेव ने उसी समय कमंडल से जल लेकर भगवान के चरणारविंद को पखारा। अब वो चरणारविंद का जल भगवान के चरणों का जल नीचे जाता, ब्रह्माणी ने फिर कमंडल को लगा दिया, उस कमंडल में जल को झेला गया, वो गंगा जल एकाग्रित कर रखा गया भगवान के चरणारविंद, इसलिए विष्णु पदी भी कहलाई गंगा, गंगा विष्णु पदी भी है। वो जल एकाग्रित कर रखा, और फिर वो जल जिस समय भागीरथ बाबा ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को आमंत्रित करा, फिर वो कमंडल में से जल निकलकर मृत्यु लोक में आया, फिर चला वो जल गंगा जल फिर चला। बहुत सुंदर संवाद है, जिस गंगा के जल को हम भरकर लेकर आते हैं, किस भाव से ला रहे हो, किस चीज के लिए ला रहे हो, किस कार्य के लिए ला रहे हो, वो आपको गंगा मैया को भरते समय बोलना चाहिए। वो गंगा मैया को आपको भरते समय बोलना है, बस हम तो नहाने गए थे साहब भर के लिया है, तो लेके तो आए हो पर बोलना तो पड़ेगा ना। अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, कभी आओ जाओ, तो आपके मन में ये भाव कि हम किस लिए आए, किसी का मन होता है कि हम कथा सुने, किसी का मन होता है कि हम दर्शन करें, किसी का मन होता है कि हमारी कोई मनोकामना है हम उसके लिए आए, तो कुछ कामना से तो आप लेकर जा रहे हो। तो गंगा जी को जब झारी जी भरी जाती है, गंगा के जल को जब झारी जी में बॉटल में आदि आदिक स्थान पर आप जो भरकर लेकर आते हो, उसमें आपका पहला भाव होना चाहिए कि गंगा को निमंत्रण देते समय आपको बोलना पड़ेगा। जैसे
गंगा मैया पूछ रही हैं, भागीरथ तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो, किस लिए पुकार रहे हो? तो भागीरथ जी कहते मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार करना है, 60,000 काकाओं का उद्धार करना है, इसलिए गंगा मैया मैं आपको लेकर जा रहा हूं। तो 60,000 काका कहां है? तो कहा कपिल मुनि के आश्रम है। अब आप गंगा तो लेकर आए हो, पर गंगा जी से आपने ये नहीं कहा कि हमारे यहां क्यों चलना है। आपको एक बार तो बोलना था कि गंगा मैया आप हमारे साथ घर चलिए। गंगा जी ने पूछा कहां तक जाना है, तो भागीरथ जी ने कहा कपिल मुनि के जमके बोली आश्रम तक जाना है। ठीक है, आप गंगा जी को लेके आई तो कभी बोला कि अपने को इंदौर तक जाना है, या अपने को भोपाल जाना है, या अपने को दिल्ली जाना है, या अपने को यहाँ हरियाणा जाना है, या पंजाब जाना है, या अपने को मेरा गांव का नाम ये है, घर का नाम ये है, अपने को यहाँ जाना है? गंगा जी को बोलना तो पड़ेगा ना, और क्यों जाना है? गंगा पूछती है चलने से पहले कि मैं शंकर के सिर से निकल कर जा रही हूं, तो शिव को बताना पड़ेगा मुझको, जिसके साथ रह रही हूं उसको हाजिरी तो देना पड़ेगी कि मैं जा कर रही हूं। आप हमेशा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो, लक्ष्मी मैया मेरे घर पे जाओ, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशानी में हूं, बहुत कष्ट में हूं, हमारे यहां तो कोई व्यापार ही नहीं चल रहा, लक्ष्मी मैया कृपा करो। अब तुम लक्ष्मी को तो बुला रहे हो, पर लक्ष्मी को बुलाने से पहले तुम्हें भगवान विष्णु को जाकर कहना तो पड़ेगा कि माता लक्ष्मी हमारा घर भूल गई है, आप इनको लेकर आओ, या आदेश करो कि लक्ष्मी जाओ। एड्रेस तो बताना पड़ेगा। अब गंगा जी को भर तो लिया तुमने बोतल के अंदर, गंगा जी को छिपरा जी का भी जल लाओ, नर्मदा का जल लाओ, गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, मंदाकिनी का लाओ, सरयू का लाओ, गोदावरी का लाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं से भी जल भर कर लाओ, पहले उससे निवेदन करो कि क्यों लेकर जा रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, हे मंदाकिनी, हे गोदावरी, हे माँ यमुना, कृपा करिए आप हमारे साथ चलिए। क्यों पूछेगी गंगा, पूछेगी नर्मदा, पूछेगी यमुना, पूछेगी सरयू, मंदाकिनी, सब पूछती हैं क्यों चले हम, किसके लिए चले? तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे घर चलना है आपको, रोग बीमारी कष्ट दूर करना है आपको। माँ चलकर आप हमारे घर में जब प्रवेश करें, माँ उस घर में जितने पितर जितने पूर्वज इस घर की देहली से गए हों, इस दरवाजे को छोड़कर गए हों, भले पितृलोक में देवलोक में विराजमान हों, पर माँ आपको कृपा करना है, आपको कल्याण करना है, जो जिस स्थान पर हो उसको जैसे ही आप घर में प्रवेश करें उन जीवों को आप तुरंत तार दें, इसलिए हमारे घर पर चले, आप हमारे घर पर चले। गरुण पुराण पांचवां अंश कहता है गरुण पुराण का, श्राद्ध पक्ष में आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, एक रुपये कमा रहे हो, 1,25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है, मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना, गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर लोटे में पानी भर कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छीट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छीटो, कैसा भी पितृदोष होगा गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है, कोई साधारण है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है, गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जाऊँ, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया, फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था केदारताल, कथा में वर्णन किया, जहाँ वापस तप करा केदारताल, फिर तप करा, क्या चाहती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना, एक जटा का किश खोला, गंगा निकल कर चलते वहां से, पूछेंगे शंकर कहाँ गई, आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कुछ श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, गया कहाँ, क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहाँ पर है, ये किस जगह पहुंच गया है, पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहाँ। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है, जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो, कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ, तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ, तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो, तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम
चार धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं, और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापिस बुलाना। पहले से नियम था पाथरी रखने का, अब तो खत्म हो गया, तो लोग मन पड़े जब चले जाएं जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया, अगर वहां पर भी नहीं रख सकते अपने घर पर, बाहर मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे आ जाए, तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार से जब चार धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, माँ मिलने के लिए शंकर के पास जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहे हैं, माँ यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, तब मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है, आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देवऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए, और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम इतने लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे और तुम आगे चल रहे। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से इंद्र ने कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे अग्रण्य चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। गंगा आगे है मैं पीछे हूं, गंगा अग्रण्य है मैं पीछे हूं। आगे आगे गंगा चले, लेकर आयो भाव से, लायो दिल से, लायो मन से, गंगा जल लेकर आयो, नर्मदा जल लेकर आयो, छिपरा जल लेकर आयो, सरयू जल लेकर आयो, आप मन से लेकर आयो। किसी को साथ में लेकर आते हो तो प्रवेश कैसा होता है, पहली बार आप जब महाराज, पहली बार आप जब किसी को लेकर आते हो तो परिचय देते हो, कि हमारे मामा जी का लड़का ऐसा, काका जी का, चाचा जी ऐसा, बुआ जी ऐसा, परिचय देते हो। अंदर आने पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, घर के अंदर आते हो, आप दुनिया की वस्तु अपने परिवार वालों को बता देते हो, ये देखो, ये देखिए, ये वस्त्र है, ये आभूषण है, ये रत्न है, ये माणिक है, मैं बाजार से लाया हूं, मैं वहां से लाया हूं, दुनिया की वस्तु आपने दिखाई। तो कभी एक बार मुख से कहना, सबसे पहले निकाल कर, कुछ वस्त्र मत निकालो बैग में से, कोई सामग्री मत निकालो बैग में से, सबसे पहले निकालो तो जो प्रसाद लेकर आयो किसी मंदिर से, सबसे पहले निकालो तो तुम जो गंगा का जल, छिपरा का जल, नर्मदा, सरयू आदि जो नदी का पवित्र जल लेकर आयो, सबसे पहले उसको प्रस्तुत करो, उसको लाकर रखिए। कहां ले जाकर रखना चाहिए, सबसे पहले पवित्र नदी का गंगा जल जब भरकर लाए, गला पकड़ रहा है हमारा, नदी का जब जल लेकर आए, पवित्र नदी का जब जल लेकर आए तो सबसे पहले कौन सा स्थान होता है जहां पर जल को रखा जाता है, घर के अंदर। शिव महापुराण की कथा कल्याण का गंगा अंक कहता है, स्कंद पुराण में जब नदियों का वर्णन किया गया है सारी पवित्र पवित्र, उसमें गंगा का वर्णन आप श्रवण करेंगे उसमें भी मिलेगा कि गंगा का जल लेकर आए, पवित्र जल को लेकर आए, सबसे पहले उसको ले जाकर कहाँ रखना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले जहाँ रसोई घर में आप मटका भरते हो, परिंडा भरते हो, हंडा भरते हो, पानी का स्थान जहाँ हो, जहाँ पितरों का स्थान हो, सबसे पहले गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा जो जल भर कर लाए हो, सबसे पहले उस स्थान पर रखो, क्योंकि उस स्थान पर रखते ही तुम्हारे घर के पूर्वज तर जाते हैं, सबसे पहले लाकर वहां रखो। पर दुनिया के लोगों की आदत है, सबसे पहले लाएंगे तो मंदिर में ले जाकर रख देंगे, भगवान के सामने ले जाकर रख देंगे, अब भगवान के चरणों से तो निकली है, कहां से निकली है, भगवान के चरणों से तो निकली है, भगवान के सम्मुख से तो निकल कर आई है, और वो प्रतीक्षा करती है कि मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है। कई लोग आते हैं दुकान पर, आते से अगर तुम दुकान पे आए और आते से सुबह दुकान खोली और खोलते से ना झाड़ू लगाई, ना पोछा लगाया दुकान का, ना पानी छिटा, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया लगाया, डायरेक्ट जय जरा पोहा समोसा लिया, जय जल्दी से समोसा खरीद का, जय जरा पोहा लिया, जय जल्दी से जलेबी लिया, और ना दुकान में पोछा, ना झाड़ू, ना बर्तन, कुछ नहीं, ना सफाई, ना काउंटर पोछा, और पोया जलेबी खाए, कुर्सी पर बैठकर खा गए, डायरेक्ट निपटा गए, डायरेक्ट ना झाड़ू, ना पोछा, ना जल छीटना, ना कोई काम, बस डायरेक्ट तुमने पा लिया। महाराज होता है कैसा नहीं, व्यक्ति जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी छिटेगा, अगरबत्ती लगाएगा, हाथ पैर धोके भगवान से विनती करेगा, प्रभु कृपा करिएगा, व्यापार अच्छा चलाइएगा, भगवान से निवेदन करेगा, अर्चना करेगा, साधेगा। शास्त्र नीति है, हर चीज का एक स्थान निश्चित किया गया कि जब हम जल को लेकर चलते हैं तो गंगा तो स्वयं भगवान के चरणों से निकली है, नर्मदा के तो हर एक कंकर में शंकर समाहित है, यमुना स्वयं ठाकुर के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करती है, सरयू मेरे राघव जी के चरणारविंद का स्मरण करती है, जब
मंदाकिनी भगवान राम के चरणारविंद का स्मरण करती है, गोदावरी भगवान कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करती है, तब ये पवित्र नदियों का जल जो हम लेकर जाते हैं परिंडे के पास, मटके के पास, हंडे के पास, पूजन वाली जगह से हटकर जब हम भगवान के पास से हटाकर उसको कहाँ रखते हैं, पितरों के स्थान पर, तो सबसे पहले वो पितरता देती है। भले 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, 1 मिनट रखो, 4 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, पर रखो पहले पितरों के स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ले जाकर रखी, भर के लाई तो बाटल छिपरा जी की, नर्मदा जी की, गंगा जी की, सबसे पहले लाई ना तो सीधे मंदिर में ही रखी, पूजन करना है सीधे। अब पंडित जी को कहे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दुख बहुत आ रहा है, तकलीफ आ रही, पंडित जी बोले पितृदोष है महाराज, पितृदोष है, ये दोष, पर तुमने वो रखा तो जब गंगा जी गई थी, कई लोग कहते हम तो गया जी होया है, हम तो इलाहाबाद भूमि आए, प्रयागराज होया है, हम तो काशी होया है, नहीं हमारे घर तो सब धरा, गंगा जी भी धरी, इसके बाद भी सब कुछ हमारे यहाँ पर, सारा सुख हमारे यहाँ पर, सब कुछ हमारे यहाँ पर विराजमान है, इसके बाद भी गुरु जी हमारे यहाँ दुख क्यों, हमारे पितृदोष क्यों, हमारे काल सर्प दोष क्यों, हमारे यहाँ वास्तु दोष, कारण कारण क्या है? तुम करते तो सब कुछ अच्छा हो, जाते भी हो, लाते भी हो, सब काम अच्छा करते हो, पर तुम्हारे वो जाने में, तुम्हारे वो लाने में, तुम्हारे वो जाकर भरकर लाने में जो है वो है, परंतु तुम उसका कहाँ रखना है, किस जगह रखना है? स्थान भी तो निश्चित है, शादी तो कर दी छोरा की, बहू भी आ गई, अब बहू आ गई तो रहेगी कहाँ? तो कहा ये कमरा जो बनाया है ना, ये कमरा इसका ही तैयार करा है, ये बेटा का ही कमरा, ये बहू का ही कमरा, ये दादाजी का कमरा, ये चाचा जी का कमरा, ये काका जी का कमरा, महाराज ये उसका हम कह दिया। बस स्थान परिंडा का पास, वहां से उठा लो, फिर भले मंदिर में ले जाकर रख दो, फिर भले पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दीजिए, फिर भले भगवान के धाम में ले जाकर रख दीजिए, वहां से निकालने के लिए। घर में कोई अच्छा कार्य हो, गंगा जली खोलो, बंद कर कर पूजने की नहीं है, गंगा जली खोलो, उसकी पूजन करो खोलकर। गंगा का जल भी कहता है कि मुझे बाहर निकाला जाए जिससे मैं परिवार का, घर का कल्याण कर सकूं। गंगा जली का जल कभी नहीं सूखता, भरा रहता है। जिसके घर में गंगा जली का जल सूख रहा हो, फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो, हमने पूरी झाला लगाकर पेक कर कर गंगा जली रखी थी, जल सूख गया, तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झारी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झारी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाहा, पर गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा, इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है, गंगा का जल क्यों सूखता है, तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है, किस लिए सूखता है? ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झारी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गया, हम तो कहें कितने तुलसी के क्यारे लगा दिया, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांगकर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं, हमने लगा कर देखा पर सूख जाता है, बड़ी आफत, कहीं दूसरे के यहां से लेकर आओ, फिर लगा, फिर सूख जाए, कारण क्या है, क्या कारण? आज एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न था, इसलिए थोड़ा ध्यान में है। माता जी एक बोली कहने लगे, गुरुदेव हमने सुना है कि जिस बेलपत्री के वृक्ष में बेल का फल ना लगा हो, उस बेलपत्री की पत्ती शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने उन माता जी से पूछा, पहले ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा, और कौन सा महाराज जी बोला, उनका नाम भी तो बताओ कि इनने बोला कि बेलपत्री में जब फल ना लगे तो उसका पत्ता ना चढ़ाएं जब तक उसमें फल ना लगे। नहीं, बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है, पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारें। एक तो बहुत छोटा, ऊपर से आपने पत्ती निकाल ली तो वो तो बेकारी हो जाए ना, उसको सूख ही जाएगा, बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे, तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतारकर आप शिव को चढ़ा सकते हो। पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रमाणिकता नहीं, ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि आप बेलपत्री का फल नहीं होगा महाराज तो आप ना चढ़ाए। बेलपत्री के फल है, वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसमें फल तो लगेगा ही। कितना सुंदर कहा, आंवले के वृक्ष में आंवला ना आए, बेलपत्री के वृक्ष में बेल ना आए, आम के वृक्ष में आम ना आए, फलदार वृक्ष में फल ना आए, तो नर्मदा जी के घाट से या गंगा के घाट से बालू रेत को लिया और शिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वृक्ष के चारों तरफ डाल दीजिए, फल आना प्रारंभ हो जाता है।
चारों तरफ डाल देने पर फलाना प्रारंभ हो जाता है। जिस वृक्ष में फल ना आए, आंवले के वृक्ष में आंवला नहीं आ रहा है मान लो, या आम के वृक्ष में आम नहीं आ रहा है, या आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल ना आ रहा हो, तो उसके आसपास में गंगा की बालू या नर्मदा की बालू डाल दें, फल आना प्रारंभ। वो बालू डालेंगे और फल आना प्रारंभ हो जाएगा, उस बालू का फल अवश्य प्रदान होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है। जिस गंगा जली का जल सूख रहा है उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है, तो गंगा की झारी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिए, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है, तो गंगा की झारी का जल अपने आप सूख जाएगा। समझ जाओ, मार्गदर्शन करते हैं, हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी रहती, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन 8 दिन 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि ये घाट आने वाली, ये कष्ट। तो कभी कभी पूजन करते करते आपके मन में भाव आता है, आज भगवान ना जाने कैसे लग रहा है, भगवान को मैंने ड्रेस भी नहीं, सब कुछ करा, श्रृंगार भी करा, पर भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, भगवान के चेहरे पर रौनकता नहीं दिख रही, कारण क्या है? समझ जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आप ही को संभालना है। गंगा मैया आपने बता दिया कि घात आने वाली, आपने बता दिया कि कष्ट आने वाला है, पर संभालेगा कौन? गंगा मैया आप स्वयं आओ, स्वयं संभालो, जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ लो। गंगा की झाड़ी में से गंगा जल चले गया, उसने मार्ग बता दिया, तो उसी गंगा की झाड़ी को, उसी गंगा की झाड़ी में वापिस ढक्कन को खोल कर, तुम्हें मालूम है इसमें जल नहीं है, तो अपने शुद्ध जल को लाकर, जो जल आपके पास में हो, भले हापसी का हो, हेडपंप का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, जो जल शुद्ध है, उस जल को लाकर उस गंगा जी में भर दीजिए और भरकर निवेदन कर दो, माँ अब आपको संभाल लेना है, वापिस ढक्कन लगा दीजिए, वो गंगा अपने आप प्रकट होकर संभाल ले, उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखा जाता, आपको संभालना। उससे निवेदन करना कि माँ आप हैं, कितना सुंदर कहा, जहां तुलसी का क्यारा सूख जाता हो, तुलसी का क्यारा अगर सूख गया, एक और बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ध्यान रखिएगा, जब घर में परिवार में गंगा जली पूरा उत्सव मनाकर खोलते हो, तो गंगा जली की जो झारी होती है, वो झारी का गंगा जल जब निकल जाता है, तो झारी को अपने घर की बहन बेटी को दे देना चाहिए, घर में खाली झारी नहीं रखना, या तो उसमें जल भरकर रखो, गंगा जल की झारी खाली नहीं होना, उसमें या तो गंगा जल में और गंगा जल मिला दो, और जल मिला दो, दूसरा जल मिला दो, और उसको भरकर उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा जल की होना चाहिए, और अगर नहीं रख सकते तो वो अपनी बहन बेटी को दे दो, फिर बहन बेटी भले अपने घर में खाली भी रखेगी तो उसको दोष नहीं लगता। पर जिसने गंगा जली खोली है, जैसे तुमने गंगा जली खुलवाई, बड़े आराम से खुलवाई, ब्राह्मण का भोजन भी करा, यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा, और गंगा जली खोल भी ली, और खोलने के बाद गंगा जल सबको बांटा भी सरी, और वो गंगा जली जो खाली होगी वो तुमने रख ली, तो वो दोष दे, हाँ उसमें अगर जल भरकर रख लिया तो दोष नहीं देगी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल बचा के रख लिया आपने, थोड़ा जल बचाया आपने, तो वो दोष नहीं देगी, आपको सुख प्रदान करते। वो आनंद देती है, शास्त्र कह रहा है। भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा जली सूखे तो समझ जाओ कोई कष्ट है, तुलसी का क्यारा, तुलसी का कुंडा, तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है, बार बार लगाने के बाद भी सूख गया, पनपता ही नहीं है, कई बार प्रयास कर लिया, समझ लो कोई दोष, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट सम्मुख आने वाला, उसको सतर्क रहे, कोई बीमारी, कोई रोग घेरने वाला, उसे सतर्क रहे, उसको समझे। इसलिए एक और चीज याद रखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा, थोड़ा सा प्रयास अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा, कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा, एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर, तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो,
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डाले कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव तुमको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव तुमको भी डुबा दे, ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है, जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए हो, काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है। उसको धन्यवाद दो बाबा, बार बार हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद उठते से कहो, वाह वाह साहब बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा कर भगवान से प्रार्थना, उठते से धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया, हाथ मत भी देख लो, पाँव माऊंगी मुंडा सब बढ़िया है, बड़ी कृपा करी भोलेनाथ तूने, बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा, आधी रात के कहीं एक आध हाथ पे निपटा देता तो तकलीफ हो जाती है, बड़ी कृपा। भले कमरे के अंदर भगवान नहीं हो, पर पलंग पर बैठते से सबसे पहले उठो तो उसको धन्यवाद दो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधु बात करते रहो, तेरी कृपा से बैठा हूं, आज चलकर अगर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच गया, टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहा हूं, बाबा ऐसी कृपा करना, मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे खटिया पर मत पटकना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटकना, जब तक ये श्वास चले तेरा भजन करती रहूं, जब तक ये श्वास चले शिव महापुराण की कथा सुनती रहूं, भले फिर अंत समय में जाऊं ना जाऊं ये उसके हाथ में है, पर तेरा स्मरण कर कर मैं, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ये पतंग है नहीं हमारी, ये मनुष्य भी पतंग से कम है, कहीं हर कहीं उड़ जाए, ये मन पतंग से कम है, हर कभी उड़ जाए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखना, अगर तेरे हाथ में डोरी है तो तू जानता है किसको कहां तक ले जाना, संसार वालों के हाथ में अगर डोरी रखोगे तो कब तक काट देगा, भगवान के हाथ में अगर डोरी रहेगी तो कितनी भी पतंग आ जाए, एक मोहल्ले में सुनार की 10-10 दुकान, और किसी एक की पतंग मेरे भोले के हाथ में है तो वो इतनी चले इतनी उड़े, आसपास के दुकान वाले भी सोचते रहे हमारे पास भी वही माल, कपड़ा भी हमारे पास एक जैसा, पान की दुकान भी हमारी एक जैसी, चाय की दुकान भी हमारी एक जैसी, फिर इसी की क्यों चले, समझ जाना पतंग उड़ रही है और डोरी भोले के हाथ में पड़ी है, इसलिए उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है, 50 दुकान एक मोहल्ले में, 100 दुकान एक जैसी कपड़े की, एक जैसा मार्केट, फिर एक की चले और चार बैठे रहे, डोरी उसके हाथ में उड़ रही है, और कितने लोग लगे होंगे उसको काटने में, विचार करो कितने ग्राहक काटने वाले बैठे होंगे, इधर तो आओ हम पूरा कमीशन देंगे, इधर आओ 10% की छूट, इधर आओ 5% की छूट, कितने काटने वाले बैठे हैं, अगर संसार वालों के हाथ में पतंग रहती तो कब की कट गई होती, पर तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है। पतंग उसके हाथ में थी, कटी नहीं साहब। कई लोगों ने प्रयास करा, निब्बू पटक गए साहब, निब्बू पटक गए। किसी के पास हमारे निब्बू पटक, काय को डरे पतंग, अगर तेरी शंकर के हाथ में तो क्यों डरना। लिख दे दरवाजे पे कि एक साथ एक दर्जन पटको अचार बना के खाऊंगा, तो क्यों डरे। पतंग शिव के हाथ में है, पतंग शंकर के हाथ में है, और अगर पतंग मेरे शिव के हाथ में है तो फिर डरना क्या, क्यों डरे। जब भोले कहा तो डरना क्या, फिर दर दर जाके मरना क्या। जब भोले कहा तो डरना क्या, क्यों जाए जगत जगत में। यहाँ एक जगह वहां से काम नहीं हुआ, वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चलेगा। 50 जगह पर जाकर आखिरी में घूमता घूमता ऊ के पास पहुंच गए, थार ही करता उसके। अब कितनी जगह गए, कोई के ये, कोई के वो, कोई के ये दोस्त, कोई के वो दोस्त, तो फिर भोले कहा तो डरना, दर दर जाके मरना क्या। भोले कहा तो क्यों डरे। हम शंकर कहने वाले, हर हर महादेव घर घर, क्यों डरे। शिव साथ में है, शंकर हर पल है। पार्वती जी को शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं भागवत सुनाई थी, उस भागवत के पहले ज्ञान दिया था जो आज भी तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। पार्वती जी का वो ज्ञान में तंत्र शास्त्र में उसको पूजा जाता है। आज भी जो पार्वती को शंकर ने भगवान ने ज्ञान दिया था, 10 विद्याओं को बिठाकर जो ज्ञान प्रदान करता, उसमें पहला ज्ञान था पार्वती, जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो एक पिंडी के रूप में रहता है, वो पिंडी नहीं होती, हर माता के गर्भ में शंकर स्वयं विराजमान होता है, स्वयं शिव बैठा हुआ। उसको समझने वाला चाहिए, तब मनुष्य शंकर ही तो है, ये मानव है क्या। शिव जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा, आखिरी में है क्या, वही वही शिव। पर आज के जमाने में किसी को बोल दो तो ए भोला तो बुरा लग जाएगा, तो मैं भोला बोल रहा हूं। परसों के दिन किसी पत्नी का फोन आया था ऑफिस में, कह रहे थे हमारे पति का नाम चेंज कर रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पति का नाम है क्या, पूछ आशीष जरा पूछ, तो के भेरू हम चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने से क्या हो, भेरू केवल उसी का ही नाम है क्या, जगत में ढेर भेरू, मंदिर में भी भेरू बैठे, पर अपने हृदय को तो समझाओ कि ये भी भेरू से कम है क्या, कभी भी भटक जाता, कभी भी भेरू बन जाता, 2 मिनट में हिस्सा हो जाए और 2 मिनट में गंगा का जल हो जाए। कई कई बार तो सोचे अभी तो भेरू चढ़ गया था, थोड़ी देर में गंगा जल चढ़ गया इसके, समझ में नहीं। चित्तवृत्ति, पतंग उड़े आकाश माने दौर थारा आत्मा, वो शंभो मारी पतंग ऊंची राखना। वो कोई नहीं काटेगा अगर शंकर ने साध कर रखी, अच्छे अच्छे तेज लड़ाना जानता है वो, कहां से लेके कहां जाए, कब ढील दे कब काटे ये उसी को मालूम है। इतनी ढील दे देता, इतनी ढील इतनी दे, वो बाद में खींचता। शंकर दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। एक बार शिव अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर के ऊपर भरोसा रखो, कुबेर भंडारी पर भरोसा रखो, कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा रखो, शिव महापुराण पर भरोसा रखो, शंकर के शब्द पर भरोसा रखो। और एक बार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शंकर से कहकर देखो, बाबा एक बार देकर भी देखेगा तुम्हें खूब देगा, फिर देने के बाद विचार करेगा कि यह सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सतमार्ग में लगा रहा कि नहीं लगा रहा। नहीं तो मालूम पड़े एबडियां बनवाता जाए, धरता जाए धरता जाए धरता जाए, खुद भी नहीं खाने बापड़ा की नींद अलग उड़ जाए। तो शंकर भगवान देखे भी देखता है और लेके भी देखता है, दोनों तरह से परखता मेरा शंकर, देखे भी परखेगा लेकर भी परखेगा, देने के बाद परखेगा कि क्या कर रहा है, भोजन करा रहा है नहीं करा रहा, भूखे को दे रहा है ना दे रहा, सत्कर्म कर रहा है ना कर रहा, भजन कर रहा ना कर रहा। और लेने के बाद ही परखेगा कि अब मैंने सब खींच लिया, पतंग को ढील भी दी और खींच भी, मर्जी पर कटने। अरे बोलो तो सतगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती है, बोल गंगा महारानी की जय, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, शिव बाबा ने आनंद करा कर बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करा, वही शिव बेलपत्र जीवन का सुख देने वाली हो गई। ऐसा आनंद में तुमरुक्का जी ने शिव महापुराण को विराम की ओर लिया। 5 तारीख से वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा, जिसमें तक्षक नाग शेषनाग की सैया भगवान विष्णु ने क्यों लगाई, भगवान विष्णु को क्या पड़ा था कि पीताम्बर का गद्दा छोड़कर शेषनाग पर सोए, उसका चरित्र, गले में शिव के सांप क्यों आया, शंकर जी की 5 बेटियों का चरित्र, शिव जी के कमर पर बंधने वाला सर्प का चरित्र सारे स्मरण करेंगे। बड़ा शेषनाग, छोटा शेषनाग, भूमंडल का शेषनाग, इन सब का स्मरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। श्रावण के ही महीने की नाग पंचमी के अवसर पर, नाग पंचमी शायद 13 को आना चाहिए, पर उससे पहले नाग पंचमी के अवसर को ही मानेंगे कि नाग पंचमी के अवसर पर वासुकी नाग
शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे वही 2 बजे। और जितने श्रोता भाई बहन है, अकेले नहीं, सारे इष्ट मित्रों को कहकर आनंद के साथ। और उसी बीच में 6 अगस्त पड़ेगा, जिस दिन बाबा की मासिक शिवरात्रि है श्रावण के महीने की, शाम को ठीक 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से साथ बैठकर अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लक्ष्मी वृद्धि सुख समृद्धि वैभव के लिए, जिन बच्चों की जॉब ना लग रही, नौकरी ना लग रही हो उनके लिए, जिनका शरीर कष्ट पड़ा हो, बीमारियां घेर पड़ी हो उनके लिए, भगवान का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा का पूजन करेंगे बड़े आनंद के साथ। संपूर्ण विश्व में पूजन हो और आनंद पाएं। आज बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, हम बहुत बहुत साधुवादता देते हैं श्री बोंडे परिवार को, जिन्होंने छिंदवाड़ा से इस पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचाया। उन सभी श्रोता भाई बहन को धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने दिल से इस शिव महापुराण, गंगा शिव पुराण को सुना, गंगा शिव पुराण को श्रवण किया। आप सबको मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद था। जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवादता देता हूं कि आपका स्नेह इस कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बटन दबाकर अगर आप उसको जुड़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आप इस कुबेरेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। सबको नमन करते हुए, भाव भक्ति से ब्राह्मणों के चरणों को नमन करते हुए, संगीतकारों को नमन करते हुए, सभी श्रोता भाई बहनों के पावन चरणों को नमन करते हुए, सभी भक्तों के चरणों को नमन करते हुए, वाणी से कुछ कहने में गलती हुई हो, गंगा का चरित्र तो अपार है, कुछ छूट भी गया हो तो क्षमा मांगते हुए, अगली कथा फिर 5 तारीख फिर आनंद लेंगे वही 2 बजे से 5 बजे तक यही आस्था चैनल पर आनंद से श्रवण करेंगे। जिन भक्तों ने अपनी सहयोग राशि दान दी है इस गंगा शिव महापुराण के लिए, जो भी सहयोग दिया है कुबेरेश्वर धाम के लिए, आजीवन भोजन के लिए, उन सभी को नमन करता हूँ। बाबा भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, आपके खूब भंडार भरे और आप दोनों हाथों से समर्पित करते चले। भावभक्ति से, आनंद से शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी आज विराम ले रही है। हर हर महादेव।